हेलो गाइस, दिस इज सतीश, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि आपको कभी भी कोई नहीं बताएगा। जी हाँ, कोई अगर यदि किसी को तो ऐसे पता नहीं होगा, बट अगर यदि कोई जानता भी होगा तो आपको ये सेटिंग्स कभी भी नहीं बताएगा। जी हाँ, मैं बहुत ही सीक्रेट सेटिंग की बात कर रहा हूँ कि आप किसी के भी फ़ोन को, जी हाँ किसी के भी फ़ोन, आपके फैमिली मेम्बर हो गया, फ्रेंड्स हो गया, किसी के भी फ़ोन को लेकर बस एक मिनट में चेक कर सकते हैं कि उसने फ़ोन में क्या क्या एक्टिविटीज़ की है रिसेंट में, या फिर एक हफ्ता पहले, या फिर एक महीना पहले, यहाँ तक कि 6 महीना पहले, यहाँ तक कि 1 साल पहले। जी हाँ, 1 साल पहले और उससे भी ज़्यादा, कहीं अगर यदि उन्होंने ईमेल आईडी अगर यदि चेंज नहीं किया है तो साल भर से का पहले भी का भी रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं, वो भी सिर्फ बस 2-3 क्लिक में। जी हाँ, बस 2-3 क्लिक में आपके फ़ोन में ऐसी सेटिंग्स रहती है। और मैं कोई ऐप इंस्टॉल करने के लिए कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं ऐप से रिलेटेड मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट सजेशन आप लोगों को देता हूं कि कोई भी ऐप फालतू के अनाप शनाप ऐप यूज़ मत कीजिए। ऐसे क्रोम में ही, जहां गूगल का जो क्रोम ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र में ही ऐसी एक्टिविटीज़ की फ़ीचर होती है जिससे आप किसी के भी फ़ोन को बहुत दिनों तक क्या क्या किया है वो ट्रैक कर सकते हैं। जी हाँ, आपने न्यूज़ में या फिर कहीं भी सुना होगा कि फ़ोन के एक्टिविटीज़ क्या क्या, वो कब कब क्या क्या उसने किया है, ये पुलिस वाले पता कर लेते हैं। जी हाँ, इस तरह की एक हिडन सेटिंग होती है हमारे फ़ोन में भी, जिसके थ्रू से आप किसी के भी फ़ोन की एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं बस उसका फ़ोन लेके। जी हाँ, बस वो भी 2-3 मिनट में आप किसी के भी फ़ोन के एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। और ये एकदम कन्फर्म, ट्रस्ट कीजिए, ये सेटिंग्स आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा और ना ही कोई बताएगा। कोई जानता भी होगा तो ये ट्रिक आपको कभी नहीं बताएगा, बट मेरे चैनल पे ये मैं पहली बार रिवील कर रहा हूँ कि ऐसे सेटिंग्स को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए मैं इसको फ़ोन की स्क्रीन में आपको लेकर चलता हूँ और बताता हूँ कि कैसे आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो और किसी के भी फैमिली मेम्बर के हो गए, फ्रेंड्स के हो गए, आप किसी के भी फ़ोन को लेकर उसकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। बहुत ही हिडन फीचर है और बहुत ही ईजी से कर सकते हैं। जी हाँ, बट बहुत आदमी को जानकारी नहीं होता, बहुत क्या, लगभग 99% आदमी को ये ट्रिक नहीं पता होती है, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चलिए फ़ोन के स्क्रीन में चलते हैं और दिखाते हैं आपको ये ट्रिक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र में। जी हाँ, एक क्रोम ब्राउज़र जो हमारे हर किसी के फ़ोन में इनबिल्ट फीचर होती है। जी हाँ, ये क्रोम ब्राउज़र इन जो भी एंड्रॉयड फ़ोन है ये इनबिल्ट आता है, आप उसको अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते हैं, बट मैं कभी भी कोई ऐप इंस्टॉल कर लेकर नहीं बोलूँगा। तो आइए इसको फ़ोन के स्क्रीन में चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसे इसको किसी के भी फ़ोन को एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं कि वो कब व्हाट्सअप खोलता है, कब फेसबुक खोलता है, फेसबुक में कितना टाइम रहता है, कोई भी ब्राउज़र में वो कौन सा ब्राउज़र सर्च करता है, गूगल में क्या क्या सर्च करता है, और किस ऐप में वो कितना देर टाइम कंज्यूम करता है, सारा एक्टिविटीज़ को मैं बताऊंगा। तो आइए इस फ़ोन के स्क्रीन में चलते हैं। ओके गाइस, जैसा कि देखते हैं ये हमारा फ़ोन स्क्रीन, और अपने फ़ोन में ये फ़ोन मेरा है, आप किसी के भी फ़ोन को लेके वो उसका एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना है, क्रोम ब्राउज़र जैसे ही जाइएगा गूगल उसमें ओपन करना है, गूगल ओपन में सर्च बार में जाना है, सर्च बार में आपको जाना है, सर्च करना है माय, देखिए ये माय गूगल एक्टिविटी, आपको कोई ऐप का इंस्टॉल कर जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको गूगल में सर्च करना है माय गूगल एक्टिविटी। इसको जैसे ही सर्च कीजिएगा इसका जो पहला वेबसाइट हो गया वेलकम टू माय एक्टिविटी गूगल, इसमें क्लिक करना है। जैसे ही इसको क्लिक कीजिएगा इसका जो यूज़र इंटरफेस इस तरह से आएगा, और आपके फ़ोन में जो भी एक्टिविटीज़ है सारा इसके लिस्ट में होगा। देखा, आपने कोई भी ऐप मैंने इंस्टॉल नहीं किया, सिर्फ गूगल क्रोम के थ्रू से ही दिखाया आपको। यहाँ पर आप देख रहे हैं फ़िल्टर कर सकते हैं कि आपको डेट वाइज अगर यदि चाहिए, आपको किस डेट में, पर्टिकुलर डेट में आपको क्या क्या ट्रैक करना है, वहाँ पर दिया हुआ है कि आप इसका डेट वाइज ट्रैक कर सकते हैं यहाँ पर सर्च करके। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये चीज़ लोकेशन सर्च कर सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ गया है, आप YouTube की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि YouTube में उन्होंने क्या क्या सर्च किया है, जिसका भी फ़ोन है उस फ़ोन में का मैं बात कर रहा हूँ। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर 15:51 मतलब 3:51 में मैंने गूगल ओपन किया। देखिए यहाँ पर टाइम देखिए मेरा ऊपर में 3:51 हो रहा है, और यहाँ पर 3:51 एकदम करेक्ट टाइम, डिटो टाइम बताता है ये,
उसके बाद देखिए गूगल क्रोम में मैंने ये गूगल सर्च किया है, इसके बाद में अगर यदि कुछ और वेबसाइट सर्च करता हूँ तो वो वेबसाइट उसके अकॉर्डिंग वो सर्च आता है। उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पर 3:50 में मैसेंजर ओपन किया था, उसके बाद मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साइट्स में कुछ सर्च किया था जैसे 3 मैंने सर्च किया था, टाइम वाइज भी आपने मेरे यूट्यूब स्टूडियो में 2:49 में कुछ सर्च किया था। उसके बाद देखिए अमेज़ॉन में मैंने अमेज़ॉन पेमेंट से रिलेटेड मैंने 1:33 में कुछ एक्टिविटीज़ किए थे वो आ गया। व्हाट्सअप मैंने 1:04 में व्हाट्सअप अपना खोला था। गूगल क्रोम में मैं 7 भी एक्टिविटीज़ कर चुका हूँ, 7 देखिए यहाँ पर लिखा है 1, तो इसका आप फुल डिटेल भी देख कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 में जाएंगे तो इसका कंप्लीट डिटेल आ जाएगा, क्या क्या डिटेल उसमें जाके किया मैंने। अमेज़ॉन में 1:45 में से इसका भी डिटेल आपको जाना है तो पूरा कंप्लीट डिटेल आ जाएगा। अब जियो कॉल में मैंने अपने जो जियो फाई डिवाइस है उससे मैंने कॉल किया था, जैसे ये 12:33 वो भी आ गया। यहाँ पर मैंने फेसबुक में सर्च किया था, ये 12:02 में वो भी आ गया है। और इसके थ्रू से आप देखिए सारा डिटेल मेरा है जिसमें मैंने कोई भी ऐप का यूज़ नहीं किया है। ये सबसे बड़ी बात है, कोई भी ऐप का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ क्रोम ब्राउज़र में आपको माई एक्टिविटीज़ जाके आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है। देखिए यहाँ पर लिखा है माई एक्टिविटी ऑन गूगल, इतना सर्च करना है बस। ओके, तो इस तरह से आप सारे ट्रैक कर सकते हैं। देखिए मैंने बहुत सारे हिस्ट्री है, जो भी हिस्ट्री है मैंने सारा का सारा हिस्ट्री आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1 दिन का 2 दिन का, आप बहुत दिन का भी पुराना से पुराना हिस्ट्री भी देखिए यहाँ पर। ये देखिए बहुत पुराना ये हिस्ट्री है, ये ट्विटर में मैंने सर्च किया है, गाइन मास्टर में किया है, ये सब देखा है, एफिलिएट मार्केटिंग में देखा है, या फिर आपको देखिए अब मैंने जो व्हाट्सएप में किया है, ये पिक्सल लैब में कुछ एडिटिंग वगैरह, कौन कौन से ऐप पर मैं कितना देर यूज़ करता हूँ वो सब डिटेल पर यहाँ पर बताता है। जी हाँ, कोई ऐप में आप कितना देर टाइम स्पेंड करते हैं वो भी डिटेल आपको बताएगा। मतलब फ़ोन में आप क्या क्या करते हैं, कहीं आपको यदि क्रोम ब्राउज़र में आप कहीं मैप में कुछ सर्च करते हैं या फिर मैप में कहीं जाते हैं, वो सब सारा ट्रैक होता है। अब वो फुल डिटेल आपको यहाँ पर फ़ोन में कितना बार क्या करते हैं, किस में कितना क्लिक करते हैं, वो सारा डिटेल ये हिस्ट्री आपको दिखा देता है। व्हाट्सएप में देखिए विजिट मैंने किया था, वो सारे एक्टिविटीज है इसमें। इस तरह से आपको बहुत दिन का देखिए, ये 10 का है, 10 का है, ऐसे डेट वाइज सारा कुछ आता है। जो भी है 10 में क्या क्या हुआ है उस डिटेल आएगा। आपको अगर डायरेक्ट पर्टिकुलर उस ट्रेड में जाना है, देखिए यहाँ पर उसमें टाइम सेट करना है। जैसे मुझे यहाँ पर अगस्त का मान लीजिए दिसंबर 2019 का मैं अगर देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको ले जाऊंगा। देख सकते दिसंबर 2019 में 1 से लेकर यहाँ पर आ गया दिसंबर 2019 31 तक, 1 का। तो जैसे ही मैं 1 का ट्रैक करूंगा ये सारा 1 का पर्टिकुलर जो डिटेल है वो आ जाएगा। यहाँ से मुझे अप्लाई करना है, इसमें क्या क्या देखना है, यूट्यूब में देखना है तो यूट्यूब आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ मुझे देख रहा है, मुझे उतना देर में देख रहा है 1 के अंदर मैंने यूट्यूब में क्या क्या देखा वो जाएगा, मैप में मैं कहाँ कहाँ गया वो इसको टिक मार दीजिएगा तो सारा डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ सिर्फ आपको यूट्यूब का जैसे एक पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन के थ्रू से भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्रोम में क्या क्या मैंने सर्च किया वो देखना है, किसी का आपको एड्स वगैरह जो भी आती हैं, जैसे म्यूज़िक में आपको देखना है, प्ले स्टोर में कौन कौन से एप्लीकेशन डाउनलोड किए हैं तो गूगल प्ले स्टोर को भी टिक मार दीजिए, उसका मैप में कहाँ कहाँ गए हैं तो उसको भी टिक मार दीजिए। और खाली आपको यूट्यूब में देखना है कि यूट्यूब में क्या क्या सर्च किया है वो दिख रहा है तो सिर्फ अप्लाई कर दीजिए, वो उसी रिलेटेड सारा हिस्ट्री आ जाएगा, उससे रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है सारा कुछ आ जाएगा। और ये सिर्फ 1 का नहीं, ये मैंने दिसंबर 2019 का आपको दिखाया है, उससे पहले या उससे देखिए मैं यहाँ पर बुक माई शो में मैंने टिकट बुकिंग किया था जो कि 25 दिसंबर को मैंने 2019 में टिकट बुक किया था, उसका भी डिटेल यहाँ पर देखिए दिया हुआ है जो कि बहुत दिन पहले का है। जो जुमांजी मैंने जो नेक्स्ट लेवल का मूवी जो रिलीज हुआ था वो मैं PVR सिनेमा में देखा था, उसका भी डिटेल है यहाँ पर, क्योंकि मैंने 2019 में मैंने इसमें सर्च किया था। अब इसके हिसाब से आप बहुत ये तो हो गया नया, पुराने से पुराना हिस्ट्री सिर्फ यहाँ पर आपको डेट सर्च करना है, डेट वाइज देखना है तो डेट सर्च करना है, पर्टिकुलर 1 दिन में देखना है, 1 वीक में देखना है या फिर 1 महीने में देखना है
उस सारे का डिटेल आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, सिर्फ आप गूगल क्रोम की मदद से। तो इतने सारे फीचर होते हैं हमारे गूगल क्रोम में, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो ये ऐसी ट्रिक आपको कोई भी कभी भी नहीं बताएगा, जी हाँ कभी कोई नहीं बताएगा। सिर्फ मेरे चैनल पर ऐसे ऐसे नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिलेगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। और सिर्फ आपको गूगल माई गूगल एक्टिविटी ये सर्च करना है गूगल में जाके, बस क्रोम में जाके आपको ये सर्च करना है, आपको सारा डिटेल आ जाए। किसी का भी फ़ोन ले, उसका फ़ोन लेके आप उसको ये चीज़ सर्च कीजिएगा, उसको डेट वाइज देख सकते हैं या फिर आपको ऐप वाइज देख सकते हैं या कौन कौन से एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है वो देख सकते हैं। मतलब मान के चलिए सारा आपका जो हिस्ट्री है सारा आपके सामने रहेगा, उस फ़ोन से क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई है सारा हिस्ट्री आपका सामने रहेगा। ओके, तो गाइस देखा ये गूगल क्रोम में ही ऐसा फीचर होता है, कोई भी ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बस ये सारा चीज़ आप गूगल क्रोम ब्राउज़र से ही सारे एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। जी हाँ, आपको पता होगा कि जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, जी हाँ एंड्रॉयड फ़ोन होती है, उसका सारा कैलकुलेट डेटाबेस उसका सेव होता है हमारे गूगल में, सारा एक्टिविटीज़ का डेटाबेस सेव होता है। मैं हमेशा बहुत से वीडियो में मैंने अपने बताया है कि आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करने से पहले उसके परमिशन को चेक कीजिए। इस तरह की बात मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि उसके ऐप जैसे आप किसी को कोई परमिशन देते हैं तो वो चीज पर्टिकुलर आपने माइक का या फिर कैमरा का या फिर किसी भी चीज का आपने परमिशन दे दिया तो वो पर्टिकुलर चीज का एक्टिविटीज को ट्रैक करके वो अपने सर्वर में सेव करता है। बस वही ट्रिक इसमें काम करता है। जी हाँ, जो गूगल में आप कोई भी फोन में, जो कि आपको सबको पता है कि एंड्रॉयड गूगल का ही है, और जो हमारे गूगल में जो भी आप सर्च करते हैं, आप फेसबुक वगैरह हो गया या फिर क्रोम में या फिर गूगल में क्या क्या सर्च करते हैं क्या नहीं, वो सारा एक्टिविटीज उसको ट्रैक किया जाता है गूगल के द्वारा। तो इस जो मैंने ट्रिक बताया उस ट्रिक के जरिए आप पता कर सकते हैं कि कौन से फोन में क्या क्या एक्टिविटीज रिसेंट में की गई है, और यहां तक कि बहुत दिनों पुराना भी एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हैं। जी हाँ, बस यही ट्रिक यूज़ करके आप किसी का भी फ़ोन का एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। वो कब इसमें क्रोम में ही आपको मैप का सिस्टम होता है, मैप में भी जाके आप वो 6 साल पहले या फिर 6 महीने पहले, 1 महीने पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले वो कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, अगर यदि वो फ़ोन आपके साथ उसके साथ में है तो वो कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, क्या क्या किया है, उस एक्टिविटीज़ को इसके द्वारा ट्रैक कर सकते हैं। जी हाँ, मतलब सारा हिस्ट्री बोल के चलिए तो सारा हिस्ट्री आपके फ़ोन में होता है, क्योंकि आपका फ़ोन स्मार्ट बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होता है, आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, उससे भी ज्यादा स्मार्टफोन होता है, उसको ऐसे ही कोई स्मार्टफोन नहीं बोलता है, जो आपसे बहुत ही तेज होता है और हर एक्टिविटीज को वो ट्रैक करता है। तो बस इसी ट्रिक के थ्रू से आप सब चीज पता कर सकते हैं कि कौन कितना देर कितना ऐप में, कौन से ऐप में, व्हाट्सएप में कितना देर स्पेंड किया है, फेसबुक में कितना देर स्पेंड किया है, या फिर टिंडर यूज़ करता है तो टिंडर में कितना स्पेंड किया है, आप टेलीग्राम में कोई भी ऐप में आप कितना देर स्पेंड करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, सारा एक्टिविटीज़ को ट्रैक करके आप इस छोटी सी ट्रिक के थ्रू से आप बहुत अच्छी तरह से ट्रैक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि वो आपके घर में बच्चे हैं तो आपके बच्चे के एक्टिविटीज़ को भी ट्रैक कर सकते हैं कि बच्चे कोई क्या ब्राउज़र में क्या सर्च कर रहा है क्या नहीं। आजकल के गार्जियन जो होते हैं फ़ोन तो दे देते हैं बट उसकी एक्टिविटीज़ को नहीं देख पाते हैं क्योंकि उसका पर्सनल फ़ोन होता है और क्या करता है क्या नहीं करता है, वो ब्राउज़र हिस्ट्री में जाके आपको हिस्ट्री डिलीट कर देगा तो पता भी नहीं चलेगा क्या। बट इस ट्रिक में आपको कभी डिलीट करने का ऑप्शन भी नहीं होता, और डिलीट करने का ऑप्शन भी होता है तो इतना अंदर में होता है कि कोई डिलीट कर भी नहीं, क्योंकि एक्चुअली में ये तो किसी को पता ही नहीं होता है, और किसी किसी को पता भी होता है तो डिलीट कैसे होता है वो भी नहीं पता होता है। तो बस यही थी छोटी सी ट्रिक, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ये ट्रिक का इस्तेमाल करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये ट्रिक वाकई में काम करती है या फिर आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही छोटी छोटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लेके आता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में फॉलो कीजिएगा, सारे का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा, इसलिए एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। और मिलते हैं कुछ नई और नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और नई एक्साइटिंग कोई वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Human hearts aren't so lucky. Those battle scars remain.